हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनाब पंजाब रियल टीवी। मैं थोड़ा दोस्त समीर सिंह। सो अज आप गल करांगे इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा साहब की। उन्होंने एक वीडियो है, देखते हैं, जिसका टाइटल हैगा दर्द भरा एक साहिबी का वाक्या। ठीक है, अच्छा टाइटल हैगा ना, आई ओपनिंग लैक्चर फॉर उम्मा। सो लेट्स सी कि इस वीडियो में क्यों होना। बिफोर कि आप वीडियो शुरू करिए, अपने चैनल को सबसक्राइब पक्का करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर द 1 मिलियन सबसक्राइबरस। थोड़े सारे करके ये चीज़ पूरी हो चुकी है। ठीक है, इदा ही सपोर्ट दिखाते रहो, प्यार करते रहो। एंड बहुत जल्दी आप लाइव आवेंगे, Q&A सैशन करांगे। कम्यूनिटी टैब विच एक पोस्ट पाई हुई है, तुसी जाके उत्थे अपने क्वेश्चंस है जिहड़े पूछ सकते हैं, तो असी उन्हां दा जवाब वीडियो दे विच जरूर देवांगे। ठीक है, सो वीडियो करते हैं शुरू, आ जाओ। जिना से तौबा का वाकया। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको पत्थर जब मारा तो उसके खून के छींटे जो है वो हजरत खालिद इब्न वलीद के चेहरे के ऊपर पड़े, तो उन्होंने उसके ऊपर लानत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद इब्न वलीद को डांटा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। आपने फरमाया इसने तो वो तौबा की है कि अगर ये इन लोगों के ऊपर तकसीम कर दी जाए हत्ता कि जो शख्स महसूल है, यानी जबरदस्ती किसी से चुंगी और टैक्स वसूल करने वाला जालिम शख्स भी अगर इस तरह की तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देगा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है और मिश्कात में 3561 है और मिश्कात ही में 3562 भी है, मुस्लिम के हवाले से डिटेल से और बुखारी मुस्लिम दोनों के हवाले से। ये मशहूर हदीस है, माइस बिन मालिक असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस कि उनसे जना हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ अल्लाह ताला से माफी मांगो, तौबा करो, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। यानी आपने वाइड किया, इससे आपको ही पता चलेगा इस्लाम कंडेम करता है कि इसको पब्लिकली रिपोर्ट भी किया जाए। अब किसी जुना हो गया वो तौबा कर ले, दैट्स एनफ, जरूरी नहीं उसके ऊपर हाथ जारी की जाए जब तक कि पब्लिकली अदालत में मामला रिपोर्ट ना हो जाए, जो मैंने शुरू में बताया। उसको फिर सबर नहीं आया, दोबारा हजरत खिदमत हुआ, या रसूलल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, आप फरमाया जा अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह माफ करने वाला है। 4 दफा ऐसा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब जाहिर अदालत में मामला आ गया, 4 दफा उसने गवाही दे दी, कुरान में भी आया 4 दफा गवाही, 4 दफा खुद उसने अपने ऊपर गवाही दे दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे चेक करो ये पागल तो नहीं है, मजनून तो नहीं है। कहा गया नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इसने शराब तो नहीं पी हुई कि नशे की आदत में ना हो तो ये काम कर रहा हूं, इसने ना किया हो। तो लोगों ने उसके मुंह को आके सूंघा, स्मेल ली, तो कहा कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने शराब भी नहीं पी हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संसार करवा दिया। क्या? और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआएं मगफरत की और आप सल्लल्लाहु सॉरी थोड़ा पीछे ने उसके लिए दुआएं मगफरत की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआएं मगफरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे संसार करवा दिया। क्या करवा दिया? सॉरी ये थोड़ा मेरे लिए समझ नहीं लगी मैंने इतनी गल, कमेंट करके दस्यो, हो सकता है वीडियो चेक क्लियर हो जाए, लेकिन आ जाओ। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआएं मगफरत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर ये तौबा एक जमात के ऊपर तकसीम कर दी जाए तो उनकी मगफरत के लिए काफी हो जाए, जो इसने तौबा की है सच्चे दिल से। फिर कुछ ही अरसे के बाद एक औरत आ गई, यानी जिसके साथ उन्होंने ये मामला किया हुआ था। अच्छा, मतलब जिन्हां दे नाल ये चीज हुई सी वो औरत आ गई। गामदिया एक कबीला था, इसी वजह से गामदी साहब ने अपने नाम के साथ गामदी लगाया हुआ है। आज तुहानू ये भी ट्रुथ रिवील कर दिया। हाँ, सही है। गांधी साहब ने वो गांधी अपने नाम के साथ इसी कबीले की वजह से लगाया। हाँ, क्योंकि पहला मैं थोड़ा अगे भी दस्या सीगा कि पहला लोग ना कबीलियां दे विच रहिंदे हुंदे सी पुराने समय च, ते वह कबीले बना के रखते सी, वक्रियां वक्रियां रियासतां बनदियां रहिंदियां सी, फिर वो एक दूजे नूं जितदे सीगे, फिर हौली हौली वह इदां ही अगे बादशाह बन जांदे सीगे। वो जो गामदी कबीले की औरत थी जिसने ये मामला किया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी अवॉइड किया, कहा जा अल्लाह से तौबा कर। उसने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे साथ वही सलूक कर रहे हैं जो आपने माइज के साथ किया था, हालांकि मैं तो हमला हो चुकी हूँ, मेरे तो जिना वाले मामले में आपको शक भी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह करो कि तुम वज़ह हमल का इंतजार करो, ये बच्चा पैदा हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आप देखें जनाब इतना अरसा उसने सूली पे समझे कि काटा है, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए। आपने फरमाया कि इस औरत को कहो कि अब ये इस बच्चे को दूध पिलाए, कम से कम इस काबिल करें कि ये रोटी खाने वाला हो जाए। 2 साल तक दूध पिलाया,
फिर वो औरत उस बच्चे को लेके आई, उसके हाथ में रोटी थी, उसने कहा या रसूल आप देख लीजिए कि ये रोटी खाने के काबिल हो गए। आप ये देखें 2 साल उसने किस तकलीफ में काटे। ये है पैशन और अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाने का जज्बा। यानी आखिरत की किसी को अजाब का पता होना तो दुनिया की सजा तो कुछ भी नहीं है। सही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस औरत के ऊपर जो है वो हद जारी की जाए। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको पत्थर जब मारा तो उसके खून के छींटे जो है वो हज़रत खालिद इब्ने वलीद के चेहरे के ऊपर पड़े, तो उन्होंने उसके ऊपर लानत की, तो आप ने हज़रत खालिद इब्ने वलीद को डांटा। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है। आपने फरमाया इसने तो वो तौबा की है कि अगर ये इन लोगों के ऊपर तकसीम कर दी जाए, हत्ता कि जो शख्स महसूल है यानी जबरदस्ती किसी से चुंगी और टैक्स वसूल करने वाला जालिम शख्स भी अगर इस तरह की तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देगा जिस तरह की तौबा इस गामदिया कबीले की औरत ने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से उनको डांट दिया। ये अल्फाज भी जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है और अबू दाऊद और तिर्मिजी के अंदर इसी हदीस की आगे एक्सप्लेनेशन आती है। मिशकात में 3565 है कि वो जो माइस नामी सहाबी थे वो जब उनको पत्थर लगे तो वो भाग गए, तो सहाबा ने फिर भी उनको पकड़ के कत्ल कर दिया पत्थर मार के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने फरमाया जब वो भाग गया तो उसको छोड़ देते, शायद अल्लाह से तौबा करता तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देते। यानी आप आखिरी दर्जे तक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, को माफी वाला मामला हो जाए। यानी इस्लाम इस चीज को कंडेम करता है कि इसको पब्लिकली इन चीजों को जो है वो रिपोर्ट किया जाए, बल्कि इनके ऊपर पर्दा डालने ही में आफियत है। तो गाइस सो इसी गाइस देखिए वीडियो जिदे विच काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक ते गल कीती गई है, लेकिन गल वो पूरी नहीं सी। जिन्हें भी कोई मैंने वीडियो भेजी है यार पूरी क्लिप नहीं सी, ठीक है, क्योंकि अगे केड़ा वाक्या सीगा उदा जुर्म की सी असल दे विच, वो क्योंकि विच कुछ उर्दू दे वर्ड है शायद मैनू तां करके समझ नहीं लगी। तो लेकिन जो ये मैसेज देना चाहते हैं वो मैनू भली भांत समझ लग गया, ठीक है, कि वो कहना की चाहते हैं इस वीडियो के जरिए। सब तो मेन गल तो उही है कि ट्रस्ट एंड एक जनून आपदे रब दे लई, आपदे अल्लाह दे लई, एंड किन्ना क तुसी जेकर आपनूं कोई गलत चीज़ हो जाती है तो आप उन्हों किन्ना क उन्हों मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं, किन्ना क तुसी जस्टिस कर सकते हो उस चीज़ नाल, तुहाडे विच इन्नी काबिलियत जां इन्नी हिम्मत इन्ने गट्स हैगे तुहाडे च कि तुसी उस चीज़ नूं कबूल कर सको कि यार हाँ ये गलती मेथों हुई है लाइफ दे विच। ना देखो इन्हां दीआं गल्लां मैं अगे मैं कमेंट पढ़दा ना मैनूं बहुत खुशी हुंदी है, तुसी सारे जणे पॉजिटिव वे दे विच अपनियां वीडियोज़ लैंदे हो जिहड़ियां आपां अली मिर्जा साहब दीआं वीडियोज़ देखदे हां, क्योंकि एज अ सिख, ठीक है, मैं एक इदा दी वीडियोज़ देखदा जिदे विच बड़ा कुछ सीखने मिल रहा मैनू इस्लाम धर्म दियां, ठीक है। नो डाउट मैं सिखिज़म दियां भी बहुत वीडियोज़ देखदा एंड हिंदुज़म दियां भी देखदा, लेकिन द मेन फैक्ट इज़ कि जो ऑनलाइन है जो अपना चैनल है वो मेन मतलब कि वीडियोज़ है जो वो आप ज़्यादातर इस्लामिक देखते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी जो रिसर्च चलती है वो एट द सेम टाइम हिंदुज़म पर भी चलती पई है। सिखिज़म बारे तो मैं शुरू तो सुनता आया पढ़ता रहा, मैं सिखा मैनू मोस्टली पता ही है सब कुछ, ठीक है, ते पर मैनू इदा कि हाँ आप अगे भी जानिए सारा कुछ देखते हैं ना अगे जाके, क्योंकि जिमें की कहते होंगे कि जेकर आप मतलब जिमें इतने मैं अगे हमेशा एक चीज़ ये कहना हूं कि जेड़ा भी कोई मौलवी है, कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई गुरुद्वारा साहब का ग्रंथी है, कोई पंडित है, कोई हिंदू स्कॉलर है, जो कोई भी है, ठीक है, वो जो दूजे के धर्म को माड़ा कहता ना मैं उस टाइम समझ आना कि यार ये बंदा कुछ नहीं है, ये बंदे च कुछ नहीं है। पाकिस्तान च मैं मौलवी भी देखे, ठीक है, तुसी मैनू कई वीडियोज़ भी कहने होंगे हो, मैनू प्लीज़ इन्हां मौलवी सिफाना दी वीडियोज़ ना क्या करो, एक तो मिसबही नाम करके है कुछ, ठीक है, तो एक आई थिंक तारीक महमूद महमूद है कि मसूद है, आई डोंट नो। अच्छा मैं इन्हां दोनों दी क्लिप्स देखियां सी, नाम शायद मैं गलत लै गया हाँ सॉरी, वो तो इन्होंने दोनों की वीडियोज़ देखिया से सिखा बारे बड़ा गलत बोले सी। सो मतलब मैं इन्हों की शक्लों का मैं याद हो गया लेकिन मैं नाम नहीं याद हो पाए। सो प्लीज़ इन्हों की वीडियोज़ मैं रिकमेंड कदे ना करो यार, मैं नहीं देखूँगा इन्हों की वीडियोज़, क्योंकि जोड़ा बंदा किसी होर के धर्म को गलत बोल, एंड देखो यही है कि जेकर वो किसी हिंदू भी बोलते ना मैं तो भी नहीं वीडियोज़ देखनिया सी, क्योंकि मेरे ख्याल मैं लगता नहीं गा कि जितों तक हूँ तक मैं इस्लाम जिन्ना क जाने इस्लाम कदे भी ये चीज़ सिखाता ही नहीं है कि तुसी किसी होर बंदे नूं गलत बोलो जां किसी ते जोर जबरदस्ती करो,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਏ ਯਾਰ, ਕੱਟੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਐਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਭਾਅ ਜੀ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਏਜਾਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਤ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫਨੀ ਜਿਗਾੜ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅੰਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੇਟ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਮ ਜੁਮ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖਾਓ ਪੀਓ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।